विकास के ढोल जितने भाजपा सरकार और उसके नेता पीटते हैं शायद ही कोई और पार्टी पीटती हो। और उसमें भी सबसे आगे आते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने विकास कामों की छोटी लिस्ट गिनवाते नहीं थकते, जो कहते हैं कि जितनी सड़क और हाईवे हमारे काल में बनी है उतनी शायद ही किसी दूसरे मुख्यमंत्री के काल में बनी हो। लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है वो अब हम आपको बताते हैं। आपको नोएडा एक्सप्रेस वे तो याद ही होगा ना, जिसे योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास का एक जीता जागता नमूना कहते हैं। जी हाँ, असल में अब वही एक्सप्रेसवे जमीन में धस गया है और इसमें करीब 12 से 15 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई हैं। वहीं गनीमत ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट काफी कम थी, वरना सरकार की नाकामी का परिणाम इस बार भी किसी मासूम को झेलना पड़ता। वहीं आपको बता दें कि हादसा शाम के उस वक्त हुआ जिस वक्त ऑफिस छूटते हैं और जिसके कारण महामाया फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास तक लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। वहीं घटना की वजह से घंटों जाम की स्थिति बनी रही और बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दो लेन को बंद कर ट्रैफिक को रवाना कर दिया। वहीं आपको बता दें सेक्टर 96 के पास अंडरपास का काम किया जा रहा है और इसे पुशबैक तकनीकी से बनाया जा रहा है, जिसमें यातायात को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पूरी जमीन ही ढह गई। वहीं अब नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसरों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, कोई भी अधिकारी इस पर बोलने से बच रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के खूब रुझान आ रहे हैं और वो उसके लिए भाजपा को ही कोस रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ये खबर सड़क निर्माण और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। सरकार अपने सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा करने के चक्कर में देश को घटिया सड़क देने का काम कर रही है। ये सड़कें लंबे समय तक काम नहीं आएंगी और उपघात बढ़ने की संभावना भी अधिक है, @PMO India। वहीं एक दूसरे यूजर ने भाजपा मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए लिखा कि नितिन जी कैसा ताबड़तोड़ काम करते हैं, हर रोड कुछ दिनों में ही नीचे धस जाता है, किसको रेवड़ी आती जा रही है, किस किस के हिस्से में रेवड़ी आ रही है, जनता को तो ठेंगा मिल रहा है। वहीं एक और यूजर ने भाजपा पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि भ्रष्टाचारी बीजेपी भ्रष्टाचार में कांग्रेस के भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, इन दोनों राष्ट्र विरोधी ताकतों से मां भारती की रक्षा करनी होगी, राष्ट्रहित सर्वोपरि, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वहीं एक और यूजर का कहना है कि यूपीए में रोज इतने किलोमीटर सड़क बनती थी, एनडीए में इतना बनने लगी, कितना अधिक बन रही है ये तो बताते हैं अंधभक्त ढोल पीट पीट कर, लेकिन ये नहीं बताते कि गुणवत्ता का क्या है हाल। पहले डालते थे दाल में नमक, अब डालते हैं नमक में दाल। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहिए MIM News Express।